हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त निकेतांग मोघा और द एजुकेशन अकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो इस लेक्चर का टॉपिक है वो है शो ग्रुप और जूम ग्रुप के बारे में, कि एक्सेल में जो हमारा व्यू टैब है उसमें हमें दो ग्रुप मिलते हैं, शो और जूम। इनका किस तरीके से इनके टूल्स का यूज़ करते हैं वो आज हम सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं एक्सेल में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाया हुआ है, डेटा बनाया हुआ है। तो डेटा यहाँ पर कुछ काम नहीं पड़ेगा ज़्यादा, यहाँ पर सिर्फ 5% काम ही होगा डेटा का। तो जैसे हमारे पास ये शो ग्रुप होता है, इसके अंदर हमें चार टूल मिलते हैं, रूलर, ग्रिड लाइंस, हेडिंग एंड फॉर्मूला बार। और जूम में हमें जूम 100% और जूम टू सिलेक्शन। तो इनका किस तरीके से यूज़ करते हैं, देखिए बेसिकली फ्रेंड, जो ये शो और जूम ग्रुप है ये बेसिकली हमें सिर्फ यूज़र के लिए होता है, मतलब जो अब इस पर एक्सेल पे काम कर रहा है उसको अपने फ़ायदे के लिए इनका यूज़ कर सकता है। इसका यूज़ कोई प्रिंट में कोई यूज़ नहीं होगा, कि अगर आप यहाँ से हेडिंग को अनटिक करते हैं तो प्रिंट में आएगी या नहीं आएगी, इनका इससे कोई रिलेशन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जिस तरीके से हम धूप में बचने के लिए छाता का प्रयोग करते हैं, या जिस तरीके से नाइट में अगर हम गाड़ी बाइक चला रहे हैं, सामने वाली लाइट पड़ती है जो उसको रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है, उसका प्रॉपर फोकस नहीं हो पाता, उसके लिए हम ग्लासेस का यूज़ करते हैं। तो सेम कुछ इसी तरीके से हम शो ग्रुप में यूज़ करते हैं टूल्स को, क्या हमें देखना है और क्या हमें नहीं देखना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं जो मेरा जो एक्सेल का शीट है इस पर ग्रिड लाइंस ना दिखे, तो आप इसको अनटिक कर देंगे तो उस पर ग्रिड लाइंस हट जाएंगी। इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके प्रिंट में या एक्सेल के बाकी किसी टूल के लिए। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि फॉर्मूला बार ना दिखे, ये आपको जो फॉर्मूला बार दिख रहा है ना दिखे, तो उसको आप अनटिक कर दो, फॉर्मूला बार हट जाएगा। अगर आप चाहते हो कि हेडिंग ना दिखे, जो कॉलम की हेडिंग है अल्फाबेटिक और रो की हेडिंग है न्यूमेरिक, ये ना दिखे आपको, तो हेडिंग पर अनटिक कर दीजिए, तो हेडिंग आपको नहीं दिखेगी। और अब जो चौथा टूल ये होता है रूलर, और ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि इसका यूज़ कब करते हैं, जब हम पेज लेआउट ऑप्शन के अंदर होते हैं। अगर हम पेज लेआउट ऑप्शन के अंदर मोड पे हैं, अनेबल हैं, और अगर हम चाहते हैं जो रूलर है इनका इसका यूज़ करना, ठीक है, कि कितने कॉलम कोई प्रिंट करे, कितने कॉलम को हम प्रिंट ना करें, तो यहाँ पर इनका यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से, और तभी ये जो टूल है ये हमारा अनेबल हो जाता है। अगर हम इसको अनटिक कर देंगे तो रूलर हट जाएगा, अगर टिक कर देंगे तो रूलर आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये जो टूल है ये हमारे वर्कबुक व्यूज ग्रुप का जो टूल है पेज लेआउट, इससे लिंक्ड है, कि जैसे अगर यूज़र नॉर्मल पे जाता है तो ये टूल हमारा फेल हो जाएगा, क्योंकि काम तो है नहीं रूलर का यहाँ पर, तो जैसे ही पेज लेआउट पे आता है तो वो रूलर के साथ काम कर सके। नेक्स्ट आता है हमारा जूम ग्रुप। अगर जूम ग्रुप बेसिकली नाम से पता चल रहा है, जूम करने के लिए बड़ा दिख, कुछ अगर देखना चाहते हो छोटा दिख रहा है इसको बड़ा करने के लिए, जैसे मैंने अभी जूम यहाँ पे 145% किया हुआ है, तो आप जूम यहाँ से भी कर सकते हैं इस तरीके से, बाय प्लस और माइनस पे क्लिक करके आप अनजूम भी कर सकते हैं, या आप कंट्रोल दबा के माउस से आप स्क्रॉल को अप करेंगे या डाउन करेंगे, यहाँ से भी आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। और यहाँ अगर आप चाहते हैं कि सपोज़ कीजिए कि मैंने यहाँ पे जूम किया हुआ है 160 या 190%, मैं चाहता हूँ कि डायरेक्ट मैं 100% में चला जाऊँ, तो आप सीधा इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हमारा जो एक्सेल शीट है वो 100% जूम में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं जूम को बढ़ाना तो जूम पर क्लिक करेंगे, कितना परसेंट, 200% करना है तो ओके कर दीजिए, 200% हो जाएगा। अगर आप चाहते हो 300%, तो कस्टम पे टिक करेंगे, जो यहाँ पर वैल्यू आप इनपुट करेंगे उतना ही वहाँ पर वो जूम हो जाएगा, 400%, ओके, ये देखिए, ठीक है, वापस 100 इस तरीके से। और ये जूम टू सिलेक्शन है कि जिस भी डेटा को आप सेलेक्ट कर रहे हो सेल्स को, अगर आप चाहते हो सिर्फ वो मुझे जूम करके दिखे, जैसे मैंने दो यहाँ पे सेल को सेलेक्ट किया हुआ है, तो आप यहाँ पे जूम टू सिलेक्शन कर सकते हो, उस पर क्लिक करोगे तो वही डेटा आपको यहाँ पर जूम करके यहाँ पे इस तरह दिखा देगा। आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल करके अप डाउन कर सकते हैं यहाँ से, या वर्टिकल स्क्रॉल करके आप इसको अप डाउन कर सकते हैं, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल से आप लेफ्ट साइड जा सकते हैं इस तरीके से, वापस 100% पे। अगर मैं चाहता हूँ सब्जेक्ट 3 को जूम करके दिखाए, ये सब्जेक्ट 3 को जूम करके दिखाए मुझे, तो यहाँ पे जूम टू सिलेक्शन करूँगा, ये देखिए इसने मुझे सब्जेक्ट 3 को जूम करके दिखा दिया है, ठीक है, वापस 100%। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से यूज़ करते हैं हम शो ग्रुप और जूम ग्रुप के टूल्स का। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले, तो उसके लिए बेल आइकन ही प्रेस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।